देख सकते हो कितना देर है, पूरा भरा हुआ है। तुम्हारा दुकान खुल चुका है, खाना बनाने है घर में, क्योंकि आज रश्मि जी को लेकर जाना है हॉस्पिटल। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, कल हम लोग गए थे हॉस्पिटल, समय ज्यादा हो गया था, इसी वजह से डॉक्टर उठ गया था। तो आज का अपॉइंटमेंट मिला है, तो आज जा रहे हैं हॉस्पिटल। और कल जो है मेरी बड़की बेटियां नहीं गई थी, आज आ रही है मेरे साथ। कल मैं छोड़ा था पापा और भाई के हवाले, तो पापा और मेरा छोटा भाई परेशान हो गया था। पापा बोले अपने तुम बड़का बेटिया को ले जाओ, तो आज इसको भी लेके जा रहे हैं। मम्मी भी रेडी हो गई है, रश्मि जी रेडी हो गई, मेरा छोटा बच्चा रेडी हो गया, और मेरा भाई नाश्ते की जगह देखिए क्या खा रहा है, भगवान का प्रसादी खा रहा है अभी चना का। तो बस 6 बजे उठ गई है, तो सबके गोदी में जा रही, सबका प्यार पारी। बड़की उठेगी ना, किसी के भी गोदी इसको नहीं जाने देती, इसे मेरे गोदी रहती है छुटकी। रात में 3 बजे सोती है, तो 11-12 बजे डेली का उठती है, और डेली का 11-12 बजे मतलब डेली का 2-3 बजे डेली सोती है रात में। तो खाना उना आज का बहुत कम हो गया था, तबियत वो उसका भी ठीक नहीं रहता है। सुबह सुबह जल्दी सो के उठ गया था, और सुबह उठते के साथ सेविंग वेविंग कर लिया, क्योंकि सारा मैसेज ईमेल में आता है, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, तो वो सब चेक करता हूँ, तो देखता हूँ कोई कष्ट आज बोनी वर्टा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ तो ऐसा हो गया, कभी बिकता है कभी नहीं भी बिकता है। बट आज झेला में खेल रही है मेरी छुटकी बेटियाँ, और पापा जो है उसका रखवाली कर रहे हैं। तभी मेरी छुटकी बेटा ठेला पस गई, और उसके दादाजी है उसको देखभाल कर रहे हैं। मेरे पापा भी खाना खा लिया। अस्पताल का भी जगह बहुत बेकार होगा, कंटिन्यू 2-3 दिन हो गए अस्पताल जाते हुए, कभी डॉक्टर साहब मिलते कभी डॉक्टर साहब मिले, तो फाइनली आज मिले हैं। दवाई उवाई भी दे दिए, और डॉक्टर साहब बोले हैं अगर ठीक नहीं होगा तो फिर 2-3 दिन के आइएगा। तो दवाई ले आए हैं घर, अब देखते हैं दवाई खाना ठीक होता है कि नहीं होता, फिर 2-3 दिन के बाद जाएंगे हॉस्पिटल, देखते हैं फिर क्या होता है। तो मैडम लोग उठ गए थे, आज फिर से आया हूँ नेक्स्ट डे हॉस्पिटल रश्मि जी को लेकर। रश्मि जी का तबीयत ठीक नहीं है, जचवाने के लिए क्या प्रॉब्लम है, तभी चलते हैं, पर्ची तो लिए ले। और आज काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम है, सबके सब जचवाने के लिए मॉर्निंग टाइम ही आते हैं, तो आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। और सरकारी हॉस्पिटल है, तो अब तो सबके सब यहीं आके जचवाते हैं, कुछ भी होता है तो यहीं आके अपना इलाज भी करवाते हैं। और ये हॉस्पिटल का एंट्री गेट, कितना भीड़ है, किसी ने डॉक्टर से मिलने के लिए किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हो कितना भीड़ है, पूरा भरा हुआ है। रश्मि जी को ठीक कर दिया आपसे, इतना कल तो मेरे पास जितना भी धन दौलत है आप ले लीजिए, मैं रश्मि जी को ठीक कर दीजिए, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा। हे भगवान, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रश्मि जी का तबीयत ख़राब है, और हॉस्पिटल से रश्मि जी को घर ले आया हूं। आप लोग अचानक से आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो हॉस्पिटल का वीडियो आया, तो फिर अचानक से घर का वीडियो कैसे आने लगा। तो रीज़न ये है, मम्मी और रश्मि जी और पापा मना कर दिए थे हॉस्पिटल का वीडियो नहीं बनाना है, तो मैंने बनाना बंद कर दिया था। 2-3 दिन तक का शॉर्ट वीडियो देखने को नहीं मिला होगा, बट अभी रश्मि जी घर आ गए हैं, रश्मि जी का तबीयत अभी था बेटर है, अभी दवाई उवाई चल रहा है, तो अब 2-3 दिन के बाद आपको शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सबके दुआ और आशीर्वाद की वजह से रश्मि जी का तबीयत ठीक हो गया है। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो रश्मि जी का तबीयत खराब है, तभी आपको शॉर्ट वीडियो भी देखने को नहीं मिलेगा। और भाई ने कमेंट किया था कि 10 तारीख को आप लोग सिम्स में थे, तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं 10 तारीख से लेके 13 तारीख तक हम लोग सिम्स में थे। ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट